शाहरुख खान को जितनी जरूरत पब्लिसिटी की अब है उतनी शायद एज अ न्यू कमर भी नहीं थी। तो द मास्टर ऑफ ऑल पब्लिसिटी गिमिक्स शाहरुख खान हैज कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। फास्ट या व्रत रखने जा रहे थे बाबा रामदेव हु हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन बीच में टांग अड़ा दी SRK ने ये कहकर कि ही वोंट सपोर्ट बाबा रामदेव बिकॉज द योगी इज पॉलिटिकली ड्रिवन। पॉलिटिक्स से याद आता है कि ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था बिफोर द रिलीज ऑफ माय नेम इज खान। द मूवी डेल्ट विद द सेंसिटिव सब्जेक्ट ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग अगेंस्ट रिलीजियस बायसेस। शाहरुख खान का लास्ट नेम देखकर उन्हें इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने अमेरिका में रोक लिया। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान का हुआ फायदा क्योंकि दुनिया भर की नजर उनकी फिल्म की स्टोरी पर चली गई। इफ दिस वाज नॉट इनफ SRK ने फिर किए इशू को ऐसे कमेंट्स व्हिच वर इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। भले ही क्रिकेट का फायदा या नुकसान हुआ हो, लेकिन माय नेम इज खान का हो गया हर जगह नाम। देयर आर अदर एक्टर्स टू जो कह देते हैं गलत चीजें एट द गलत टाइम। आमतौर पर सलमान को इमोशनल ज्यादा और मैनिपुलेटिव और प्रमोशनल कम समझा जाता है, लेकिन ठीक दबंग की रिलीज के एक महीने पहले सलमान वेंट एंड पुट हिज फुट इन हिज माउथ जब उन्होंने 2611 के बारे में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से ये कहा कि एलीट क्लास पर अटैक हुआ है, इसलिए ये इशू को वर्ल्ड वाइड रीच मिली है एंड दैट पाकिस्तान शुड नॉट बी ब्लेम्ड। After which उन्होंने एक कमजोर सी एक्सप्लेनेशन देकर ट्विटर से अपने आप को कुछ देर के लिए हटा दिया। ऐसे ही कुछ आमिर खान ने भी नर्मदा आंदोलन में भाग लेकर पॉलिटिशियन से लिया था पंगा। जब धोबी घाट हुई रिलीज तो आमिर को पॉपुलर करने के लिए हो गए थे धोबी नाराज, और बिल्लू बाबा के वक्त SRK को निकालना पड़ा था बिल्लू से जुड़ा बाबा जो था उनकी फिल्म का नाम। लेकिन दूसरे स्टार्स ऐसे भी हैं जो बिना मूवीज के ही फंस जाते हैं पॉलिटिक्स में। अमिताभ बच्चन का सिर्फ प्रेजेंस था काफी एट द इनॉग्रेशन ऑफ द बांद्रा वर्ली सी लिंक टू कॉज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। संजय दत्त ने तो पॉलिटिक्स में घुस के ही कह दिया बहुत कुछ रॉन्ग इन हिज स्पीच, जहां उन्होंने एक रिलीजियस कॉमेंट पास किया था और अब तक केस चल रहा है। लगता है हमारे स्टार्स बहुत लकी हैं क्योंकि जब भी उनकी मूवी होती है रिलीज तभी खड़ा हो जाता है उनके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पंगा। इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारी शाटी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी सुप्रीत। अब सबसे पहले बात करते हैं ये पॉलिटिकल झमेला खड़ा हो जाता है स्टार्स के लिए जब कोई मूवी रिलीज होने लगती है, बेचारे ऐसा क्यों होता है? येस ऑफ कोर्स योर पुअर इनोसेंट स्टार्स, कितनी टाइमली इंटरवेंशन आ जाती है इनकी लाइफ में। देर इज़ नो मैनिपुलेशन, नथिंग लाइक जस्ट वेन दबंग वेयर सलमान वॉज टू प्ले अ बैड करप्ट कॉप वॉज टू रिलीज, ही सो अनविटिंगली वेंट एंड गेव एन इंटरव्यू टू अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वेयर ही सेड सम वेरी टची थिंग्स अबाउट द टेरर अटैक्स हियर एंड ही सेड You know what he said. I don't need to go into the whole political thing of it, but the point is that Salman was being talked about and he was being projected as the bad guy, which is what he was in the movie, right? Everybody loved the bad cop, and that's Salman Khan. And one stupid, or may I say, very smart statement to a journalist just got him there, and he was in the middle of the controversy, and Dabang was a hit. Mm-hmm. And Shah Rukh has some similar. Not so strategical moves. Yes, I mean Shah Rukh, he's so concerned about the nation and Indians not being misguided, and how Baba Ramdev is doing this because he's politically driven. I'm asking Shah Rukh Khan right now. He has RA1 and he's G1. So isn't Shah Rukh Khan publicity driven? If Ramdev is politically driven, I do not know what he's thinking about. So seriously, kya itni planning chal rahi hogi in Shah Rukh's mind? I really can't get into his mind, but from whatever I can guess and whatever I can see, I think it's definitely too much of a coincidence that he's decided to talk now. He's a very, very media savvy star. Let's face that about Shah Rukh Khan, because jab Gautam Gambhir ka wo shoulder mein niggle hua tha na, jab when he was hurt and he was forced to play or whatever they may call it, at that time Shah Rukh Khan very strategically decided to stay out of the media, out of the limelight, and he let somebody else who was heading his team, his CEO, whoever he was, take the bricks and the brats and everything. And now suddenly when RA1 is here and he wants to get like all the attention that he can get, the good positive attention as the superhero, because it suits his character in the movie,
सो गौतम गंभीर को फोर्स करके खिलवाया, उसे वर्ल्ड कप से दूर करवाया. नो, दैट्स नॉट द इमेज इज लुकिंग फॉर, बिकॉज ही इज प्लेइंग द गुड गाय इन द मूवी. सो नाउ व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल थिंग गोइंग ऑन एंड ही वांट्स टू बी द डू गुडर, सडनली ही इज आउट इन द ओपन. इट हैज नथिंग टू डू विद हिम एंड ही इज स्टिल गिविंग अस हिज ओपिनियन. ही कैन प्रॉब्ली से कि किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, बट यू नो गौतम गंभीर के टाइम पे तुमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो इवन राइट नाउ यू कुड हैव चोजन टू जस्ट बी क्वाइट. दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स अस ऑफ the my name is Khan time, right? Exactly. You know, that movie was about racial profiling based on religion and everything, and I do not know, really I could not get over the whole coincidence, because he obviously cannot manipulate US immigration, but at the same time for this whole thing to happen with his last name being Khan and just the perfect timing on the dot of his release this happens to him, I was thinking, wow, Shah Rukh is one lucky guy, and look, the movie really worked for him. Is there a lot of pressure for him to be dealing with this? I'm sure. Agar hum abhi dekh rahe hain to at a recent press conference, like just maybe a couple of days ago, one journalist is asking him a question. The journalist has very unknowingly, inadvertently called him Salman. And look what he's saying. He's like, "Zara, mera naam to theek se kar lo. Mera naam to samajh lo." He's saying that. So check this out. Salman, yahan. Pehle to apna naam theek kar lo tumhe. Ya mera naam theek se bol lo. शाहरुख की ही कॉन्फ्रेंस में उनको सलमान बुलाया जा रहा है. दैट्स सो कैन यू इमेजिन व्हाट द पॉपुलैरिटी ऑफ दबंग हैज डन फॉर सलमान खान. ही हैज ओवरशैडोड ऑल द कांस एंड शाहरुख हैज नॉट हैड एनी बिग रिलीजेस और सम ग्रेट हिट्स और एनीथिंग. ही रियली, दिस इज अ साइन दैट ही रियली नीड्स टू रीएस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी, हिज स्टार स्टेटस एंड एवरीथिंग. सो आई मीन जर्नलिस्ट कॉलिंग हिम सलमान, इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग टू द फैंस. सो बिफोर दे फॉरगेट, इट्स बेटर दैट यू जस्ट फ्यूम एंड फ्रेट एंड क्रिएट अ कंट्रोवर्सी.